जो मसला फिलहाल सबसे बड़ा चला हुआ ना हरियाणा में वो बेरोजगारी का है सर। 5 साल हो गए, 2021 से पेपर चल रहे, 21 में एग्जाम दिया, 22 में एग्जाम दिया, 23 में एग्जाम दिया, 24 में, और हर एग्जाम में एक नौकरी के लिए 6 बार एग्जाम दिए, और 6 बार हमने टॉप किया, फिर भी आज हम बेरोजगार खड़े हुए हैं। और इनका हर बार बयान आता है कि हम कभी, जो हमारे पूर्व CM बोलते हैं 29 फरवरी ना 29,000 नौकरी 2024 तक, कभी हमारे नायब सैनी बोलते हैं 31 अगस्त 2024 तक 50,000 भर्तियाँ पूरी करेंगे, अब बोल रहे कि इलेक्शन के बाद पूरी करेंगे। हमारा जो पेपर है ना सर, कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, लेकिन दोबारा इन्होंने एग्जाम तो ले लिया, एक दो दिन में इन्होंने एग्जाम ले लिया, 1 घंटे में आंसर की, उसके बावजूद भी ये आंसर नहीं दे रहे, मतलब वो हमारा रिजल्ट नहीं दे रहे। किस पद के लिए आपने एग्जाम दिया? सर मैंने हर एक ग्रुप के लिए दे रखा, 56-57 पुलिस के लिए। कितना एग्जाम दिया सर? एग्जाम तो ये 3 हो गए, और उससे पहले प्री, ये तो बता रही सर, 21 में तो फॉर्म भरे गए थे, 22 में प्री हुआ था, 23 में मेंस दिया, मेंस कैंसिल कर दिया और कोर्ट ने, अभी 24 में फिर मेंस दिया, और 3 एग्जाम दे रखे, मतलब टोटल मिला के 7-8 एग्जाम दे चुके हैं अभी हम। तो जितने आपने एग्जाम दिया उसमें किसी का रिजल्ट नहीं आया? नहीं सर, किसी का भी रिजल्ट नहीं आया। तो और फिर ये सैनी साहब और खट्टर साहब कहते हैं कि बिना पर्ची और खर्ची के हमने इतनी नौकरियां दी, पर्ची बिना खर्ची, और साथ में एक बात कहना भूल जाते, 0 भर्ती, 1 भी भर्ती नहीं की, ये सिर्फ एक ही बात बोल रहे। आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा हमने 1.5 लाख के आसपास नौकरियां दी। सर वो तो मैं बता, जो 1.5 लाख की सच्चाई बता देती हूँ, जो 1.5 लाख बोल रहे ना वो एक तरह का जुमला है, जो 2019 में इन्होंने लास्ट भर्ती की थी वो इन्होंने ग्रुप डी की थी और हरियाणा पुलिस की थी। अब भी जो इन्होंने की है ना 13,500 ग्रुप डी की, उनमें से कुछ बच्चों को तो डिपार्टमेंट भी नहीं मिले अभी तक। और ये जो 1.5 लाख का जिक्र हो रहा है ना सर, ये एच के आर एन का मतलब कॉन्टैक्ट बेस पे नौकरी दी इन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत, जो पक्की भर्तियां होती ना वो एक भी नहीं दी। और ये हर बार बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने रोक लगाई, तो एक बात बता दो सर, जब माननीय हाई कोर्ट ने 6 महीने के अंदर हमारी भर्ती पूरी कराने का ऑर्डर दे रखा है, तो मेरे हिसाब से तो माननीय कोर्ट से ऊपर कुछ भी नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन भी नहीं होगा, तो इलेक्शन कमीशन की परमिशन की बात कहाँ से आई।